नमस्कार दोस्तों, तेजी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये भारतीय संविधान का पार्ट वन है। हम लोग इसी तरीके से पूरे संविधान को क्वेश्चन वाइज कवर करेंगे, जो कि RRB, NTPC, ग्रुप डी और SSC JEE और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में GS सेक्शन को काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था? तो ये 1911 में सबसे पहले गाया गया था। नेक्स्ट है, गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? 1950 में। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे कौन थे? वे विभिन्न प्रदेश की विधानसभाओं से चयनित सदस्य थे। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है, कौन अध्यक्ष थे इनके? भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर के नाम से भी इन्हें जानते हैं। नेक्स्ट है, संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य थे? तो ये 7 सदस्य थे। नेक्स्ट है, निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे? तो निर्वाचन सभा के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 9 दिसंबर में जो कि सच्चिदानंद सिन्हा जी अध्यक्षता किए थे, उनको अस्थायी सदस्य चुना गया था, अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो ये 17 समितियाँ थीं जिनको गठन किया गया था संविधान को तैयार करने के लिए। अगला है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंग कब तक थे? किसके भारत के अंग कब तक थे? तो ये 1947 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र की जड़ें नष्ट की जा सकती हैं? तो ये आतंकवाद एवं विद्रोह द्वारा प्रजातंत्र की जड़ों को नष्ट किया जा सकता है। अगला है, भारतीय संविधान है यह आंशिक कठोर और आंशिक लचीला है? नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य यह है कि उसका कोई राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करने वाला। नेक्स्ट है, जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो वल्लभ भाई पटेल थे, KM मुंशी थे, JB कृपलानी थे, जबकि महात्मा गांधी नहीं थे। नेक्स्ट है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र जो वह होता है जो राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागत रूप से ना हो, मतलब किस तरीके से हो, गणतंत्र यानी कि जनता द्वारा चुना गया हो। अगला है, प्रस्तावना का प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? गणतंत्र। अगला है, कैबिनेट मिशन प्लान की अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? तो यह BN राव थे।
अगला क्वेश्चन, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो ये हिंदू महासभा था जो शामिल नहीं था, बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल, ये लोग शामिल थे। नेक्स्ट है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? तो ये भारत का साम्यवादी दल जो है स्वतंत्रता के पहले हुई थी इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान 1950 को कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो ये 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में आया? 15 अगस्त 1947 को ये प्रभाव में आया था। अगला क्वेश्चन, हमारे देश का संवैधानिक नाम है भारत अर्थात इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बी आर अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? तो ये भारतीय शासन, भारत शासन अधिनियम 1935 था जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा इस पर। नेक्स्ट है, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? ये ब्रिटेन में पहले हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट है, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो भारत का संविधान सबसे विस्तृत संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो यह एक विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है तो इस किसी प्रस्तावना में क्या निहित है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, ये सारे वर्ड प्रस्तावना में लिखित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है तो जनता है, इसलिए गणतंत्र राष्ट्र बोला जाता है भारत को। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो ये बेरुबारी मुकदमा था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। अगला क्वेश्चन, संविधान प्राप्त के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? तो ये 1969 में पहली बार विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय भाषा को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रयास भारतीय परिषद एक्ट 1861 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? तो यह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो कि सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा किसका विशिष्ट लक्षण था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 का विशिष्ट लक्षण था कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा अलगाववादी प्रदर्शित किया गया। अगला है, किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान की आपातकालीन उपबंध के ऊपर पड़ा? तो ये जर्मनी का बेइमर सिद्धांत संविधान था जिसका आपातकालीन उपबंध पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? ये जवाहरलाल नेहरू थे जिसने प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था। अगला है, संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है, मतलब एक ही के द्वारा किया जा सकता है? तो ये है राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संवेदनात्मक मशीनरी ठप्प पड़ जाए। अगला है कि एक संगठित न्यायपालिका भी ये खुद ही बना सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा ही ये खुद अकेले ही कर सकता है। अगला है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? तो ये भारत की संविधान की प्रस्तावना है जो कि इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य बताती है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली? तो ये कनाडा के संविधान से इसने ली थी। भारत एक संघ राज्य है क्योंकि उसका संविधान सुविधा देता है, क्या देता है सुविधा, कि यह राज्य और केंद्र के मध्य सत्ता की साझेदारी की सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो ये न्यायिक पुनर्वीक्षा, मूलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी, ये समस्त अधिकार जो हैं, विशेषताएं जो हैं, ये अमेरिका के संविधान से भारत ने ली हैं। अगला है, वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? तो ये हैदराबाद था जो कि इसको बलपूर्वक मिलाया गया था। नेक्स्ट है, देसी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार पटेल को इसका श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल किस देश से लिया गया? तो यह ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत को यह राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो यह USA में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया? तो ये ब्रिटेन द्वारा लिया गया था, जो कि कानून की समानता मतलब सभी के लिए समान अधिकार होंगे। अगला है, किसने कहा था कि राष्ट्र का नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जैसे सुविधापूर्वक भुनाया नहीं जा सकता, जिसे सुविधापूर्वक भुनाया नहीं जा सकता, इसको केटी शाह द्वारा कहा गया था। अगला है, राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? तो इसको 52 सेकेंड में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य वर्णित है, जो कि हमारे देश की संविधान उद्देशिका यानी प्रस्तावना में वर्णित है। तो आज यहाँ का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट डे अपलोड कर देंगे और इस तरीके से हमारा पूरा संविधान कंप्लीट हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर।